आज हम माई तारा चंडी की कहानी सुनाए। जैसे राउर भाई के लूर लक्षण बानू कने नचे निये आई। दैतराज, हम विंध पर्वत के श्रृंखला कैमूर पहाड़ी पर एगो अत्यंत सुंदर देवी देखले बानी। माई, तोहार दोनों भक्त अंकुश और मधु के प्रेम विकसित हो गइल बा। माई माई, एकरा एगो लड़की पसंद पड़ गई बिया और बियाह करे के चाहता। राजा बेटा, अंकुश के पसंद तो लाजवाब बा। ये मतलब हर सातो वचन के। अरे जौन मेहरारू, मैं मर्दन के बीच में नाचे ले, उई मेहरारू से ल जाई। बस अब चुप करी। अभी तक खाली चुप रहे के कहता नहीं, अगर चाहती ना तो चपाट मार के तार गाल लाल कर दिल रहती। तो काम नहीं के करके तो बोल देवे के चाहिए। तोहरा से ऐसा उम्मीद ना रहे। आज के बाद ये जो तिकड़ी बना एक साथ दिखे के ना चाहिए। तारा चंडी माई की क्रिया आज ऐसा सुर लगा के लोग छिता जाए। जेकरा के हम अपना घर के लक्ष्मी बुझले रानी, उहे इतना बड़का खुलटा निकलल। हमार तो ये घर है, हम कहीं ना जाए। गजब जवानी रानी लहकल बनी जहज बहकल। जा, चित को बदल दे। सोन, अभी सोना सिंगार की कौन जरूरत नहीं के। चल, पागल है कौन? चल। तांत्रिक के माया जाल से मधु के अपन पति के स्वयं रक्षा करी के पड़ी। अगर एक महीना में बबुआ न आई तो तू ओकर सलात कर दिया। अंकुश के संगे संगे ना तोर कुल सपना टूट चुकल बाटे। बिटिया, तू चिंता ना करा, तोहार सुहाग वापस आ जाए। बस तोरा एगो व्रत करे के पड़ी, चैत नवरात्रि व्रत, 9 दिन तक निर्जला व्रत। पूजा पाठ व्रत करके साबित का कहीं चाहता रे। माई, हम ऐसे कोई गलती कहीं नहीं कि तू कितना बड़ सजा दे लो। कुछ भी करो, उस लड़की के नवरात्रि के व्रत पूरे नहीं होने चाहिए।